नमस्कार, क्या आपको भी लिंग में दर्द महसूस होता है? जब लिंग तनाव में जाता है या जब वो तनाव में नहीं होता है तब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है? तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि इनके क्या कारण हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ क्योर स्टोन में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिंग में दर्द के कारण समझने से पहले हमें पहले उसकी बनावट के बारे में समझना होगा। तो जैसे लिंग एक सिलेंडर के जैसा होता है, अब इस सिलेंडर में जितनी चीजें होंगी स्वाभाविक सी बात है दर्द भी उन्हीं की वजह से ही होगा। तो लिंग के अंदर एक तो पेशाब की पाइप रहती है जो कि हमारे पेशाब की थैली से सारा पेशाब लेकर आती है, और दो सिलेंडर्स और भी होते हैं जिनमें स्पंज के समान टिश्यू भरा हुआ रहता है। ये जो सिलेंडर है ये हमारी तनाव लाने में या इरेक्शन में मदद करते हैं। सारा का सारा खून इन स्पंज जैसे टिश्यू में जाता है जिसकी वजह से ये धीरे धीरे तनाव में आना शुरू हो जाते हैं। तो प्रमुख यही दो चीजें हमारे लिंग के अंदर रहती हैं। अगर कोई भी बीमारी, कोई भी दिक्कत इनको परेशानी पहुंचा रही है तो वो ही हमारे लिंग में दर्द करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे कॉमन कारणों की। सबसे पहले आता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब पेशाब की नलकी में इन्फेक्शन। जैसे कि अगर जो पाइप मैंने आपको बताई जो पेशाब के लिंग में है, जो लिंग के अंदर जो पाइप है, अगर उसकी सतह, उसकी दीवार में इन्फेक्शन हो गया है तो जब आप पेशाब करेंगे तो एक तो आपको उस समय पर दर्द होगा और हो सकता है पेशाब करने के बाद भी वहां पर दर्द जारी रहे। तो ये काफी कॉमन दिक्कत रहती है। इसे हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं, मतलब पेशाब की नलकी में सूजन या इन्फेक्शन। ये यूजुअली सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की वजह से या एसटीआई की वजह से होता है। इसमें पेशेंट को पेनिस में दर्द रह सकता है। फिर एक ग्रंथि और भी होती है पुरुषों में जिसे हम प्रोस्टेट या गदूद बोलते हैं। ये इस पेशाब के रस्ते के बीच में रहती है, लिंग के थोड़ा सा ऊपर रहती है। इसमें भी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तब वो भी पेनिस में दर्द कर सकता है। तीसरा, अगर मान लीजिए लिंग का जो आगे वाला हिस्सा है जिसे हम ग्लैंड्स बोलते हैं, उसमें कोई सूजन है, उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो भी जलन के जैसा या दर्द के जैसा महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है लिंग पर चोट लगना। कई बार ज्यादा तेजी से सेक्स करते हुए पुरुषों में लिंग की जो ये स्पंज वाले सिलेंडर्स हैं यहाँ पर चोट लग जाती है जिसकी वजह से वहां पर थोड़ी सूजन आ जाती है और दर्द होता है। तो कुछ समय के बाद ये सूजन ठीक हो जाती है लेकिन पुरुषों में दर्द बना रहता है। तो वहां पर वो जो चोट है या तो पूरे तरीके से नहीं भरी होती है या वहां पर किसी नस को दबा रही होती है, तो इसकी वजह से भी वहां पर दर्द होता है। कई बार इरेक्शंस भी कम हो जाते हैं। तीसरा जो कि सबसे कॉमन कारण है वो है लिंग में गांठें पड़ जाना या पेरोनीज डिजीज। इस बीमारी में जो हमारे सिलेंडर हैं जिनमें स्पंज भरा हुआ है उन सिलेंडर्स पे हल्की हल्की कुछ काफी लंबे समय तक अगर चोट लगती रहती है तो वहां पर गांठें पड़ जाती हैं जो कि ओवर हीलिंग की वजह से होती हैं, और शुरू शुरू में ये गांठें हल्का हल्का दर्द कर सकती हैं या इरेक्शन के समय पे आपको दर्द महसूस हो सकता है। इसे हम पेरोनीज डिजीज बोलते हैं और ये 40 से 50 साल के पुरुषों में काफी कॉमन देखा जाता है। इसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो सकता है और लिंग में टेढ़ापन भी आ सकता है और इरेक्शंस कम भी हो सकती हैं और जा भी सकती हैं। चौथी चीज होती है कि हमारे जो लिंग की दर्द को ले जाने वाली नसें हैं, अगर उन नसों के अंदर ही कुछ इरिटेशन हो जाए, वो नसें ही खराब हो जाएं या उनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तब लिंग तो ठीक है लेकिन जो नसें दर्द को लेकर जा रही हैं वो दिमाग को ये संकेत पहुंचाएंगी कि लिंग में ही दर्द हो रहा है। तो इन्हें हम न्यूरोपैथीज बोलते हैं। इसकी वजह से भी पेशेंट्स को दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है जिनकी वजह से पेशेंट्स को लिंग में दर्द होता है। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से ग्रसित हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मेन हेल्थ पर वीडियो बनाते हैं जो कि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर कोई बात करने से संकोच करता है। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।